मंत्रालय से 6 किलोमीटर स्थित ग्राम फतेहपुर में ममता यादव के घर में बकरी ने 2 दिन पहले एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो अपने आप में चर्चा का विषय बना हुआ है और यह अद्भुत और आश्चर्य से भरा हुआ है जिसे देखने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर की दूर तक यात्रा तय कर पहुँच रहे हैं। दरअसल फतेहपुर निवासी ममता यादव को बकरी पालने का शौक है। इस शौक के चलते कई सालों से बकरी पालने का परिवार काम कर रहा है। वहीं 2 दिन पहले एक बकरी ने 2 नवजात बकरी के बच्चों को जन्म दिया था जिनमें 1 नवजात मेल बकरा तो दूसरी फीमेल बकरी पैदा हुई थी। वहीं जन्म लेते ही यह बकरी का बच्चा अब उत्सुकता का विषय बन गया है। दरअसल ये फीमेल बकरी के बच्चे का मुँह इंसान की शक्ल से मिलता जुलता है और इस बकरी के बच्चे की दोनों आँखें एक ही पुतले में माथे की जगह स्थित है जो अपने आप में बिल्कुल अलग है और अब तक पूर्णतः स्वस्थ है जिसे देखने के लिए लोग सैकड़ों किलोमीटर से दूर दूर से आ रहे हैं। वहीं जानकारों ने बताया है कि ब्रीड न बदलने और विटामिन की कमी के कारण ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। इनमें वंशज महत्वपूर्ण है। ऐसी घटना हजारों में 1% होती है। जी मैं शहडोल जिला से ग्राम फतेहपुर से हूँ। हमारे एक बकरी है जो बहुत ही रहस्यमयी है। उसकी दोनों आंखें जॉइंट है और उसको देखने बहुत दूर दूर लोग आ रहे हैं। ये जो है बकरी कितने दिन की है, कब हुई है ये बकरी? 2 दिन की हो गई है, अभी शनिवार को हुई है। अच्छा। शाम को 4 बजे। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? रोशनी यादव। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है आपके यहाँ ऐसा जानवर? पहली बार ही हुआ हमारे यहाँ। ठीक,